ज़कात के मसाइल आपने सब सुन लिए हैं। बाज लोग ये पूछते हैं ज़कात के बारे में कि हमारे पास अगर ज़कात देने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करना। उमूमन मर्द के पास पैसा नहीं होता, उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती। औरत के पास जेवर होता है, 5 तोला 10 तोला जेवर होता है, और उसके पास चांदी की पट्टी वगैरह भी होती है और 500-1000 रुपया कैश भी होता है। ये सब मिलाएंगे तो ज़कात फर्ज हो जाती है। सोने का 7.5 तोला होना जरूरी नहीं, थोड़ा सोना है थोड़ी चांदी है दोनों मिलाएंगे उसका रेट अगर इतना हुआ जिससे 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी को खरीदा जा सकता हो तो ज़कात फर्ज है औरत के ऊपर। तो अब ज़कात निकालना है औरत को, औरत तो कमाने नहीं जाती है इसलिए उसका शौहर निकालेगा या उसका बाप निकालेगा या उसका बेटा या भाई ज़कात निकालेगा। अब मर्द के पास पैसा नहीं है ज़कात देने के लिए, मान लो औरत के पास जो जेवर है उससे जो ज़कात निकालना है 5000 निकालना है, 2 लाख रुपये का जेवर है, 1 लाख में 2500 ज़कात है तो 5000 ज़कात देना है। अब मर्द के पास इतना पैसा नहीं है तो औरतें क्या करती हैं, खामोश हो जाती हैं। मर्द ने नहीं दिया, उसके पास नहीं है, हम क्या करना भाई, यूं समझती हैं। तो औरतों को मसला बता दीजिए, ज़कात तुम्हारे मर्द के ऊपर फर्ज नहीं है, जेवर तुम्हारा है ना, तुम्हारे ऊपर फर्ज है। शौहर अगर अदा कर देता है अच्छी बात है, अब बेचारा उसके पास पैसा नहीं है तो कैसे अदा करेगा, वो अदा नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करो तुम खुद अदा करो। अब औरत कहेगी मैं कमाने जाती हूं क्या, मेरे पास कहां है पैसा, तो उसका जवाब यह है तुम्हारे पास चांदी की चैन है ना वो बेच दो, या अंगूठी है बेच दो, उससे ज़कात अदा करो। कुछ भी हो जाए ज़कात देना जरूरी है। जो आदमी माल का मालिक है उस पर ज़कात है, औरत है औरत के पास जेवर है औरत के ऊपर ज़कात फर्ज है। शौहर दे देता है तो उसका एहसान है औरत के ऊपर, अगर बेचारा नहीं दे पा रहा है अभी उसके पास पैसा नहीं है, औरत को चाहिए कि वो या तो कहीं से कर्ज लाकर के ज़कात दे या शौहर कर्ज में कहीं से लाए और ज़कात दे। कर्ज भी कब लेना जबकि आगे 1-2 महीने में कर्ज अदा करने की उम्मीद हो, कर्ज अदा करने का चांसेस हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो जेवर उसके पास है उसमें से कोई एक चीज बेच करके ज़कात देना जरूरी है, नहीं देगी वही गले का हार। जुमा के दिन बताया था ना मैंने, जुमा के दिन मैंने बताया था तफसील के साथ, जेवर जो है कयामत के दिन सांप बन करके आएगा, उसकी आंखें सफेद होंगी, इतना वो जहरीला होगा, इतना जहरीला होगा कि उसके जहर की वजह से सांप के सर के ऊपर जो थोड़े थोड़े बाल होते हैं वो भी झड़ चुके होंगे और वो औरत के गले में लिपट जाएगा और उसके कल्लों को नोचेगा, चबा चबा करके खाएगा। जब वो रोएगी चिल्लाएगी तो बोलेगा अना मालुकी, मैं तो तेरा ही माल हूं, वकंजुकी मैं तो तेरा ही खजाना हूं, क्यों तू रो रही है, दुनिया में तूने मुझे इस्तेमाल किया था लेकिन ज़कात नहीं दी थी ना, जो 2.5% तुमने ज़कात नहीं निकाला मैं वही हूं। इसलिए औरतों को यह मसला बता दीजिए। हमारे मोहल्ले की बात मैं बताता हूं, 90% लोगों को ज़कात का मसला मालूम नहीं, 90% 10% लोगों को मालूम है कि साल में एक बार ज़कात देना है, कितने को कितना देना, क्या क्या हिसाब लगाना, वो इस 10% को भी नहीं मालूम। 90% को ज़कात क्या है नहीं मालूम, 10% को मालूम है ज़कात क्या है,
लेकिन इस 10% को भी कितना निकालना है, मेरे पास कितना पैसा है, कितना सोना, कितनी चांदी, इन सब को कैसे कैलकुलेट करना, ये 10% को भी नहीं मालूम। कोई एक 0.1% कोई होगा उसको मालूम होगा बस। इसलिए जकात के बारे में चर्चा किया करें। जो भी आपको मिले, दुकान पर आए, घर में मिलने के लिए आए, आप उनको कहा करें कि आपने जकात निकाली है अपने माल की। उसको समझाएं प्यार और मोहब्बत के साथ, उसको बतलाएं कि साल में एक मर्तबा मालदार आदमी के ऊपर जकात फर्ज है। सोना 80/7 ग्राम हो, चांदी 612 ग्राम हो या उससे ज्यादा हो, नेट कैश है तो 612 ग्राम चांदी में कितने रुपये बनते हैं, 35-40 हजार, इतना अगर तुम्हारे पास कैश है जकात फर्ज है। तुम्हारे पास फैक्ट्री है, उसमें सामान बेचने वाला तैयार होता है, उसकी कीमत अगर 35-40 हजार रुपये की है, जकात फर्ज है। ये बोलना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हर आदमी अपने अपने रिश्तेदारों को बताएगा, पूरी दुनिया में बात फैल जाए। हमारे मोहल्ले की एक औरत, अनपढ़ जाहिल औरत, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, कहीं आप लोग समझे उसकी मैं तौहीन कर रहा हूं, नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इस तरह की औरत ने मुझसे मसला पूछा कि हजरत हमने आपका बयान सुना, हमें मालूम ही नहीं था जकात के बारे में, और पूरा लिख करके लाई, वो पूरा लिख करके लाई कागज में। मेरे पास दो कम्मे ही, दो चैना ही, खुआ में पट्टी है, कैश इतना है, मरद के ऊपर इतना खर्च है, बेटी गने फला है, बैंक में इतना है, वहाँ एक घर है, फलान जगह किराया आता है, फलान जगह ये है। इस तरह अनपढ़ औरत पूरा लेके आई बयान सुन करके और मुझसे हिसाब लगा करके गई। तो किसी को मामूली नहीं समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग पूछते नहीं है, पढ़े लिखे लोग पूछते नहीं है, वो अपना ग्रेड समझते हैं या ये समझते हैं कि पूछेंगे तो फंस जाएंगे, ज्यादा देना पड़ जाएगा, मसला मालूम नहीं तो कैसे भी कर ले जलो समझते हैं। लोग क्या समझते हैं, अगर मुझे मसला मालूम नहीं है मैं 500-500 रुपए जकात में दे दूंगा, मेरी जान बच जाएगी, नहीं बचेगी। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर एक मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। आपको नमाज पढ़ना है, नमाज के बारे में आपको मसले मसाइल का जानना फर्ज है कि नमाज में नियत कैसे बांधना, रुकू कैसे करना, कुरान कैसे पढ़ना, तहियात क्या, दुआ क्या है, समझ में आ गई बात। आप रोजा रख रहे हैं, रोजा आपके ऊपर फर्ज है तो रोजे के मसाइल का सीखना आपके ऊपर लाजिम है। आप कारोबार करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं शरीयत की नजर में वो बिजनेस सही है या गलत है, वो मालूम करना आपके ऊपर फर्ज है। शेयर मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाज हराम है बाज हलाल है, दुकान में बहुत सारे लोग कुछ सामान रख करके बेचते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका बेचना हराम होता है, जिनका बेचना मकरूह होता है। हर चीज के अंदर आदमी को इल्म हासिल करना जरूरी है, समझ में आ गई बात। उलमा से पूछ लेना कि मैं एक शादी करने जा रहे हैं बच्ची की, उलमा को एक आधा घंटा घर में बिठा ले और उनसे पूछे मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, इस्लामी तरीके पर मुझे क्या क्या करना चाहिए, इस्लामी तरीके पर मुझे पूरा बताइए, शुरू से लेकर मंगनी से लेकर सलाम फेरने तक, यानी निकाह हो जाने तक पूरा बताइए, वो पूरा आपको बताएगा, समझ में आ गई बात। तो जकात के बारे में नहीं मालूम, वो औरत बोलने लगी हजरत हमें आज तक नहीं मालूम था, साल में एक बार 100 रुपया हमें दे देते थे, ये हाल है। इसी तरह बुध के दिन औरतों का इज्तिमा होता है, ऊपर औरतें आती हैं, उसमें भी मैंने जकात के बारे में समझाया, बहुत सारी औरतों ने हमारे घर की औरतों के जरिए मसला मालूम कराया, मालूम ही नहीं है किसी को। आप सब लोग सुनते हैं लेकिन घर में जाकर बोलते नहीं, और
मेरा बयान रोजाना रिकॉर्ड होता है, YouTube पर भी मिलता है और WhatsApp पर भी मिलता है, वो अपने घर में सुनाते भी नहीं, कम से कम आप लोग खुद भी नहीं बोलते और घर में कम से कम ऑडियो या वीडियो सुनाते भी नहीं है, लो सुनो, वो उतना भी नहीं करते। सच बोल रहा हूं मैं, मैंने इससे पहले भी बता दिया, क्या अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम, ईमान वालो अपने आप को बचाओ, वा अहलीकुम और अपने घर वालों को भी बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। आपकी 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 हर एक की जिम्मेदारी है अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना, जहन्नम की आग से निकाल करके बाहर लाना। कैसे बचाएंगे? जो जो दीन की बात है उनको सुनाओ, नमाज के मसाइल बताओ, रोजे के मसाइल बताओ। अक्सर औरतों को नापाकी का मसला नहीं मालूम, 99.99 एक घंटा बोलिए, उतनी औरतों को हैज के मसले नहीं मालूम। अक्सर औरतें नमाज इसलिए नहीं पढ़ती हैं कि उनको महीने का खून डिसबैलेंस होकर के आता रहता है और वो मसला मालूम भी नहीं करती है और वो समझती है कि ये नापाकी का खून है, मेरे ऊपर नमाज माफ है, नमाज नहीं पढ़ती। हालांकि नमाज औरत के ऊपर जब खून आता है 3 दिन से लेकर 10 दिन तक आता है, इतने ही दिन के लिए नमाज माफ है, बाकी जो एक्स्ट्रा खून आ रहा है वो बीमारी का खून है, उसमें नमाज रोजा माफ नहीं है। औरत जो है शर्मा करके अपने शौहर को भी नहीं बताती उसको जो डिसबैलेंस हो रहा खून का, और शौहर को अगर औरत ने बता भी दिया, शौहर जो है आकर मौलवी से पूछता भी नहीं है कि हजरत ऐसा मसला है अब क्या करना, नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना, रोजा रखना कि नहीं रखना। मैं बिल्कुल कसम खा करके बोल रहा हूं, 99% लोग नमाज नहीं पढ़ते, इसी वजह से औरतें रोजा भी नहीं रखती। अगर उनको कहा जाए, कोई पूछता भी है, तुम ना मालूम नहीं लो भाई हमारे मजबूर हैं, तुम ना मालूम नहीं लो हमारी मजबूरी, इस तरह औरतें बोलती। और मर्द भी, बहुत सारे बूढ़े लोग नमाज को नहीं आते, क्यों? उनको पेशाब निकलता रहता है थोड़ा 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 थोड़ा, घर में भी नहीं पढ़ते, मस्जिद में भी नहीं पढ़ते। अगर उनसे कहा जाए, हमारे परेशान है, बल्ला कहो हजरत क्या परेशानी, बोले भाई पूछे तो नहीं, तुम ना कही को सुन भी, अरे बोलो तो सही क्या परेशानी है, हम जवाब देंगे, बोलते भी नहीं, शर्माते हैं। यहां शर्म आएंगे तो वहां पिटाई होगी, दीन के अंदर शर्माना नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो शर्माते हैं क्या? नहीं शर्माते, जो बीमारी है सही सही बता देते हैं, जो गलत काम किया है, शराब पीता था, सिगरेट पीता था या और कुछ खाता था, घर वालों को किसी को नहीं बताएगा, डॉक्टर को लेकिन सब बोल देगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अपने आप को भी बचाओ और घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। आप लोग जितने सुन रहे हैं, आप लोग अपने घर में 5 आदमी को बताएंगे, वो 5 आदमी अपने अपने जो दोस्त होंगे उनको बताएंगे, इस तरह बात फैलती चली जाएगी। आप किसी के दुकान पर गए, जकात के बारे में बोले, कुछ लेने गए लाने गए, जकात के बारे में बताएं, दोस्तों के यहाँ गए, रिश्तेदारों के यहाँ गए, आप बताते रहे, जितना मालूम उतना तो बोलो, जितना मालूम है उतना तो बोलो कि जकात है गते कहता कि देना गते, वैसा तो बोलो कम से कम। और एक बात याद आ गई, बोल देता हूँ, चहारशंबे के दिन ऊपर मदरसे में औरतों का इज्तिमा होता है, यहाँ बयान होता है, किताब पढ़ करके उनको जो जरूरी चीजें हैं बताई जाती हैं, और औरत जो उस्ताद भी है वो भी बताती हैं। बार बार ऐलान किया जाता है औरतें आती नहीं, 20 औरतें 25 औरतें, एक बार 80 औरतें आई थी बस, लोग घर से निकल कर आने के लिए भी तैयार नहीं। और घर में जो मर्द है वो ऐलान सुन के जाता है मस्जिद से, अपनी औरत को भेजता नहीं, ग्रेड है ना उसकी, औरत आसमान से उतरी है, उसे जरूरत नहीं है, पैगंबर की बेटी है, सब मालूम उसे, वो भेजते भी नहीं है, चलो कुछ बात चल रही है जाओ सुन के आओ,
कोई आकर छोड़कर भी नहीं जाता, सब चीज आपके लिए हाजिर है, नॉलेज आपको मिल रहा है, लेकिन कदर नहीं कर रहे। साउथ अफ्रीका से एक आदमी ने मेरे पास फोन किया, मेरा नंबर किसी तरह उनके पास पहुंचा व्हाट्सएप के जरिए, सिर्फ अजान का मसला पूछने के लिए साउथ अफ्रीका से फोन कर रहा, मोजाम्बिक एक जगह है मोजाम्बिक्यू, वहां से फोन कर रहा सिर्फ अजान का मसला पूछने के लिए। वहां पर अजान का मसला बताने वाला नहीं है, अजान के बारे में मसला बताने वाला नहीं है। पनामा, यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है पनामा, वहां से लोग मसले फोन करके पूछते हैं, छोटे छोटे मसले जो मस्जिद के मुअज्जिन साहब को भी मालूम होते हैं, जमात के अमीर साहब को भी वैसे छोटे छोटे मसले मालूम होते हैं, ऐसे मसले वहां बताने वाला नहीं। समझ में आ गई बात, किबला किधर है बताने वाला नहीं, किबला किबला किस साइड है वो बताने वाला भी नहीं। इस तरह के इलाके हैं, और आपके इलाके में कैसे कैसे मौलवी हैं, एक से बढ़कर एक से बड़ा मुफ्ती है, मौलवी है, जबरदस्त कुरान पढ़ने वाला, जबरदस्त कुरान की तफसीर करने वाला, हदीस पढ़ करके बोलने वाला, इसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह को जवाब देना होगा। समझ में आ गई बात। तो इसलिए जब इस तरह मस्जिदों के अंदर बयानात हो, जमात के साथियों का भी हफ्ते में इतवार में एक जोड़ होता है, हमारे करीमुल्ला भाई के घर में हुआ करता था पहले, अब लॉकडाउन की वजह से बाद में बंद हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया, उसमें भी ऐलानात होते रहते हैं कि वहां औरतों का इस्तेमा है, जाओ, नहीं जाती औरत। सबसे ज्यादा बेदीनी औरतों के अंदर है, उनको पर्दे के मसाइल मालूम नहीं, गुसल के मसाइल मालूम नहीं है, नमाज का तरीका मालूम नहीं है, नेल पॉलिश लगाई हुई है उसी हालत में नमाज भी पढ़ रही है, नेल पॉलिश हाथ में है तो वजू होता ही नहीं है, फिर कैसे वो नमाज पढ़ रही है, और सर के बाल खुले हुए हैं नमाज पढ़ रही है। औरत के सर के बाल नमाज में अगर नजर आते हैं तो फिर उसकी नमाज ही नहीं होती। बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है, अपनी औरतों के पीछे बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है। औरत को कुछ मालूम नहीं रहता, इसलिए उसके बच्चों को भी कुछ मालूम नहीं रहता। माँ की गोद क्या है, बच्चों का पहला मदरसा है। औरत को खुद मालूम नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएगी। बाप तो इधर उधर कारोबार में इधर उधर जाता रहता है, समझ में आ गई बात, नौकरी में जाता है, मेहनत मजदूरी में जाता है, और इसको कुछ आता नहीं है तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा, बच्चों को कौन सिखाएगा। बच्ची बड़ी हो गई है, बेपर्दा घूम रही है, उसका जिस्म नजर आ रहा है, बाप को भी फिक्र नहीं, माँ को भी फिक्र नहीं है, ये सब कौन देखेगा। इसलिए इन तमाम चीजों के बारे में फिक्र करें, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह को जवाब देने के लिए, दुनिया वालों को जवाब देने के लिए नहीं। हमारे बच्ची को बुरका उड़े तो उन्हों क्या बोलती, कि उन्हों क्या बोले थी, क्या तो बोले दे, खबरस्तान जग मर जाने सुब भी। हमें अल्लाह को जवाब देना है, मैं अकेला कब्र में जाने वाला हूँ, मुझसे पूछा जाएगा शाहजहां तेरे अम्मी के साथ तेरा मामला कैसा था, तेरा ताल्लुक तेरे बाप के साथ कैसा था, भाई के साथ कैसा था, बहन के साथ कैसा था, बीवी के साथ कैसा था, बेटा और बेटी के साथ कैसा था, तू जवाब दे। अब मैंने दुनिया में आपसे शर्मा करके कोई गुनाह कर लिया होगा, मान लीजिए वहां जाकर अल्लाह से कहूंगा, ऐ अल्लाह मैंने फला दुनिया वाले की वजह से फला गुनाह कर लिया था, वहां नहीं मानी जाएगी। तुझे कहा गया था मेरी बात मान, तू वहां जाकर दूसरों की बात क्यों माना, वहां पकड़ आ जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं। खैर बात बहुत लंबी हो गई, पता नहीं कहां से दिमाग में आ गई, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।